नमस्कार दोस्तों, ग्रो योर सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि बैंक कई तरह के बोरोअर्स को लोन देता है और हर किसी का अलग अलग तरह का रिस्क होता है। लोन का पैसा या तो पब्लिक का होता है और मार्केट से भी उठाया हुआ हो सकता है, तो रिस्क को कम करने के लिए बैंक कुछ पैसे अपने पास बचा के रखता है कि अगर कभी रिकवरी ना हो पाए तो वहाँ से भर दे। बेसल कमेटी ने बेसल नॉर्म्स बनाई थी इस तरह के रिस्क से लड़ने के लिए। बेसल एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में। ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर भी है। BIS दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के बीच कॉपरेशन करवाता है, जिससे एक कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके और सारे बैंक्स फाइनेंशियली स्टेबल रह सके। इन सेंट्रल बैंक के ग्रुप ने मिलकर कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जो बैंक के रिस्क को कम करने के लिए थी। इसे ही बेसल नॉर्म्स कहते हैं। फंडा ये है कि इतना पैसा अपने पास रखो कि अनएक्सपेक्टेड लॉस और जो देनदारी है वो पूरी हो जाए। मतलब जो लोगों से पैसा लिया है वो उनके मांगने पर दे सको। अब देखते हैं बेसल वन क्या है। ये 1988 में लाया गया था। इसका पूरा फोकस क्रेडिट रिस्क पर था, यानी कितना रिस्क है किसी लोन में ये कैलकुलेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग कैपिटल या रुपयों को अलग से बचा के अपने पास रखेंगे अपने बैंक्स। रिस्क वेटेड एसेट मतलब किस लोन में रिस्क का कितना वेट है ये निकालना। जैसे लोन के बदले मैंने घर गिरवी रख लिया तो इसका रिस्क वेट बहुत कम हो गया। बेसल वन में बोला कि जितने भी लोन दे रखे हैं उन सब का रिस्क वेट निकाल लो, उसके बाद उस रिस्क वेटेड वाले का 8% निकाल लो, यही अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा मिनिमम। 8% से ज़्यादा कितना भी बचा के रख लो बैंक में, लेकिन उससे कम नहीं रहना चाहिए। मान लो मैंने 50 लाख का लोन दिया, उसमें 10 लाख का रिस्क वेट है, तो इसका 8% बचा के रखना पड़ेगा, यानी 80,000। ठीक है, अब ये रिस्क वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग ही टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर मेरी वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया में बेसल वन 1999 में आया था। इसके दो सबसे खास ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, टू एंश्योर एन एडिक्वेट लेवल ऑफ कैपिटल इन द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। मतलब दुनिया भर के बैंकिंग में कैपिटल की कमी ना पड़े, यानी जिससे बैंक ने उधार लिया है बैंक उसे वापस दे सके। और दूसरा, टू क्रिएट अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब बैंक के आपस में कॉम्पिटिशन से भरे माहौल में सब बैंक्स को बराबर का मौका मिले। ऐसा ना हो कि सारी मलाई बड़े बैंक्स ही खा जाएं, जैसे फेसबुक ने ऑर्कुट को निगल लिया, रिलायंस जियो ने तो पता नहीं कितनी कंपनीज को घुटने टेकने या मर्जर करने पर मजबूर कर दिया। अब एक सवाल देख लेते हैं, इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए। BCBS की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा है, BCBS ने बेसल वन को कब पब्लिश किया था? बेसल टू और थ्री के बारे में हमारी आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मैं आगे JIIB CAIIB पर और वीडियोस डालूँगा। गुड बाय।